आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट पेज की जो इमेजेस होती हैं, आपके प्रोडक्ट की इमेजेस जो होती है उस पे जो सेल बैज होता है उसको आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्काउंट का, जो आप जो डिस्काउंट देते हैं उसके परसेंटेज में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक डेमो स्टोर है मेरा, तो यहाँ पर मैं शॉप पेज पर चला जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सेल सेल सेल, मतलब ये सेल लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेल बैज है आपका। इसमें हम यहाँ पे सेल की जगह जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे लेट से ये MRP 800 की थी और सेल प्राइस है 699, तो इसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो परसेंटेज में हम किस तरीके से यहाँ पे शो कर सकते हैं सेल की जगह पे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित फ्रॉम WPMA.com और बिना देरी का ये देखते हैं इसे कैसे करेंगे। इस कस्टमाइजेशन को करने के लिए बिना प्लगइन के हमें एक कोड या स्निपेट की ज़रूरत होगी जो कि हमें अपनी वेबसाइट में जो है ऐड करनी है। तो उस कोड को ऐड करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आप जो है functions.php फाइल को डायरेक्टली एडिट करके उसके थ्रू कोड को ऐड कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है कि आप एक प्लगइन इंस्टॉल करें और उसका नाम है कोड स्निपेट, उसके थ्रू जो है आप कोड को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोड दिखा देता हूँ। वो ये कोड है, ये आपको वेबसाइट में ऐड करना है। तो सबसे पहले मेथड जो है हमारा functions.php फाइल के थ्रू हम किस तरीके से इस कोड को ऐड करेंगे पहले मैं वो बता देता हूँ। उसके लिए आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड में। यहाँ पे आप देखेंगे अपीयरेंस, अपीयरेंस में होवर करेंगे तो यहाँ पे थीम फाइल एडिटर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे functions.php, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, लास्ट में आपको एक या दो लाइन छोड़ के जो है कोड को पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ से पहले कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ये कोड मिल जाएगा आपको मेरी वेबसाइट से। मैंने अपनी इस वीडियो को अपने एक आर्टिकल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाएं और उसको कोड को कॉपी कर लेंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं अपडेट फाइल पे क्लिक करूँगा। फाइल अपडेट हो गई है। अब मैं यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं सेल है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं परसेंटेज शो हो रही है यहाँ पे, 13% है इस पर, 33% डिस्काउंट कुछ इस तरीके से। अभी मैं अगर प्रोडक्ट को ओपन करूँ तो यहाँ पे भी जो है आपको परसेंटेज शो होंगी प्रोडक्ट की इमेज पे भी। ये था फर्स्ट मेथड कि आप किस तरीके से functions.php फाइल के थ्रू जो है आप कोड को ऐड करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कोड स्निपेट नाम की जो प्लगइन है उसके थ्रू आप कोड किस तरीके से ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से अपडेट कर दूंगा। इसके बाद आपको जो प्लगइन है वो पहले मैं प्लगइन दिखा देता हूँ। वो प्लगइन है ये कोड स्निपेट प्रो। ओके, इसको आप एक्टिवेट कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद। और जब आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में स्निपेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर होवर करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप टाइटल देना चाहे दे सकते हैं, जैसे कि मैं दूंगा डिस्काउंट परसेंटेज और यहाँ पे आप देखेंगे ऑन इमेज, ठीक है, कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं टाइटल। और यहाँ पे जो है कोड को पेस्ट कर देंगे। कोड को पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे इसको, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे ओनली रन ऑन साइट फ्रंट एंड। इसके बाद डिस्क्रिप्शन और टैग देना चाहे दे सकते हैं या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सेव चेंजेस एंड एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्निपेट एडेड एंड एक्टिवेटेड। अगेन अगर मैं इसको, आपने देखा मैंने functions.php फाइल से डिलीट कर दिया था कोड को और मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो अभी भी ये परसेंटेज ऐसे ही रहना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं परसेंटेज अभी भी ऐसे ही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।